गए तुम्हारे बिस्तर बिस्तर ठीक? हाँ काम तो हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा था थोड़ा कुछ काम से। काम से? हाँ आपको याद है ना मैंने आपको कुछ बोला था मेरी ड्रेस कहाँ है? ओ कहाँ है मेरे कपड़े? हाँ हाँ मुझे याद है तुमने क्या क्या बोला था। नया सूट चाहिए तुम्हें और दो तीन ड्रेस अब तो चाहिए चाहिए होंगे। बिल्कुल, कब आएगी ये ड्रेसेस? तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें लाके देता हूँ। कब? कल, कल ला देता हूँ। कल नहीं आज और अभी, मुझे नहीं पता कितने टाइम से बोल रही हूँ मैं तुम्हें। अब मेरी बात को थोड़ा समझो। देखो मैं ना तुमसे ना गलती कर दी शादी कर कर, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। प्यार करते तो मेरी बातें समझते ना। अच्छा ठीक है बाबा। मेरे झुमके और मेरा ब्लाउज और जो नए वाले सूट के जो वो रह गए थे ना नेकलेस मैचिंग का, वो भी लेके आना है तुम्हें। और हाँ वो पायल वो भी टूट गई थी वो भी लाना है, और वो रिंग जो लास्ट टाइम खो गई थी वो तो उसको तो पक्का लेकर आना। पता है ना क्या क्या लाना है? अच्छा ठीक है, जो जो तुमने बताया ना वो सब ले आऊंगा। ठीक है अभी मैं चलूं? जाओ पर याद से लेकर ही आना। हाँ हाँ ले आऊंगा अभी मैं चलता हूँ। जा सकते हो। ये तो गए, अब उस बुढ़िया को देखती हूँ वो क्या कर रही है। अरे बुढ़िया अब क्या कर दिया तूने? अब कुछ नहीं बहू, बर्तन गिर गए। देखो करती रहती। अरे बुढ़िया अब क्या तोड़ दिया? अरे कल कांच का ग्लास तोड़ दिया था, और परसों तो मैडम ने कांच तोड़ दिया पूरा का पूरा, और उसके बाद एक ट्रे तोड़ दी। अरे बुढ़िया खाया कि किसने फिर? सब तोड़ती रही तो, और आज बर्तन तोड़ने में लग रही है। क्या करूं अब तेरा, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? बहू ऐसा क्यों बोल रही है? हैं ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी गुस्सा हो रही है? बस ये ओवर एक्टिंग है ना अपने बेटे के आगे करी हो, मेरे आगे मत करी हो। मेरे आगे नहीं चलने वाली ओवर एक्टिंग। हे भगवान अब तो मेरा सर दर्द भी होने लगा है। ये बुढ़िया
अन्या कितनी बार बताऊं तुझे, जैसा तेरा ससुराल है मेरा ससुराल वैसा नहीं है। मेरा पति भी ना मेरी बात पता नहीं कितने बरसों बाद सुनता है। हाँ अगर कभी ऐसा हुआ ना कि उमड़ उमड़ के प्यार आ गया तो जनाब सुन लेते हैं मेरी बात, वो भी आधी अधूरी, पूरी बात नहीं सुनते वो मेरी। हाँ अच्छा तेरा पति इतनी बात मानता है, यार कसम से बहुत लक्की है तू। और मैं अच्छे घर की थी, पता नहीं कहाँ आकर फंस गई इस जेल में, समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, कैसे निकलूँ। और एक चीज़ तो मैं तुझे बताना ही भूल गई, मेरी सास, अरे वो बुढ़िया हमेशा है ना मरने वाले काम करती है मेरे हाथों से। एक मिनट मुझे लगता है ना वो आ गए हैं, बाय बाय बाय, कल बात करती हूँ। ये देखो आप आ गए। हाँ ये क्या है आपके हाथों में? अरे वही जो तुमने मुझसे मंगाया था। हाँ ये है ये सब। अरे हाँ हाँ, अरे वाह ये ब्लाउज, ये देखो इयररिंग, ये देखो ये तुम्हारा ब्लाउज, तुम कह रही थी ना मुझसे तुम्हें एक नया ब्लाउज चाहिए था। बिल्कुल ना प्यारा। और ये तुम्हारे सूट के मैचिंग का नेकलेस, आपको याद था। अरे वाह। और ये तुम्हारे इयररिंग, ये भी एकदम मैच खा रहे हैं इससे, सच में उस ड्रेस से बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने सोचा जब सब कुछ ले रहा हूँ तो साथ ही साथ क्यों ना क्यों मैं पायल ले लूं। तुम पायल भी लिए? हाँ। मुझे तो लगा पायल तुम भूल ही जाओगे। और तुम्हारी इसमें नई साड़ी है। पर देखो मैं इन सब चीजों से खुश नहीं हूँ। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? नाराज हो गई? मैं फिर से नाराज नहीं हो गई, मैं तुम्हारे साथ तो खुश हूँ पर तुम्हारी माँ के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं, घुटन होती है मुझे उसके साथ। अरे अब ऐसा क्या कर दिया माँ ने? पता है मैं तुम्हारी माँ को भी ना अपनी माँ समझती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और वो है ना पता है आज फिर उन्होंने बर्तन फेंका किचन में, और पता है वहाँ कल उन्होंने कांच तोड़ दिया, परसों ट्रे तोड़ दी, रोज कुछ ना कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। अरे कब तक? मेरा पति इतनी मेहनत से कमा के लाता है और मम्मी जी इतनी आसानी से तोड़ देती हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और तुम्हें पता है वो जो मेरी फेवरेट बाल्टी नहीं है पिंक कलर की, पता है मैंने सोचा मम्मी जी को है ना वो बाल्टी दे देती हूँ, कपड़े धो लेंगी मम्मी जी, पर मम्मी ने जी ने पता है बाल्टी फेंक दी और मम्मी ने जी बोला कि तुम्हारी बाल्टी में से स्मेल आती है मेरे कपड़ों में आ जाएगी। क्या? और उन्होंने मेरी बाल्टी भी तोड़ दी। माँ ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ, मेरी कोई बात नहीं मानती है, हमेशा मुझसे बदतमीजी से बात करती है और कभी कभार तो थप्पड़ भी मार देती है। अच्छा तो माँ ये सब भी करती तुम्हारे साथ? हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं रह सकता घर में। देखो मेरी बात सुनो, या तो इस घर में वो रहेंगी या फिर मैं, वरना मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। तुम्हें पता है ना वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी माँ को भी मैंने अपनी माँ समझा था, पर उन्होंने बदले में क्या दिया मुझे? सिर्फ और सिर्फ नफरत, पता नहीं क्यों कर दिए वो मेरे साथ ऐसा। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया उनको, आप नहीं कर सकती मैं बिल्कुल भी। या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ रहेगी, अब तुम खुद सोच लो। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। वो
तेरी बहू बता रही थी कि तू आजकल घर में कभी बर्तन तोड़ती है और कभी उसकी फेवरेट बाल्टी में कपड़े, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा मैं तो बहू से कभी नहीं लड़ती, और हाँ उस दिन मेरे हाथ से कप टूट गया था बेटा, बर्तन धो रही थी, मैंने तो बहू को कुछ भी नहीं कहा। देखा माँ, तेरी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से पता है मैं अपनी बीबी के साथ खुश नहीं रह पा रहा हूँ। देख माँ, तू घर की बड़ी है और वो तो बच्ची है तेरी, उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको बच्ची समझ के माफ कर दिया करना। तू सब जानती है और तुझे अच्छे से पता है किस घर को कैसे संभाला जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। अरे अरे, ये प्लेट का लेके जा रही है। बेटा ये फ्रूट्स है, वो डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम फ्रूट्स लेना, कमजोरी आ गई है तो। अच्छा, तो डॉक्टर का यूं क्यों नहीं बोलती कि डॉक्टर ऐसी दवाई दे जिसे खाकर तेरा सफाया हो जाए? ये क्या कह रही है बहू तू? हाँ अरे सही कह रही हूँ, और कब तक जिएगी और जी के करेगी भी क्या? तेरा दिमाग सही है, कैसे बोल रही है तू? ये किससे पूछ के लिया? किससे पूछ के लिया? मुझे किससे पूछने की जरूरत है बेटा? अच्छा, तो अब बुढ़िया की जुबानें भी चलने लगी है। जुबान? बेटा तू अपनी जुबान को काबू में रख। अच्छा, मैं अपनी जुबान को काबू में रखूं और तुम अपनी जुबान चलाओगी? अच्छा, ये जरूर तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सर पे चढ़ाया है, इसलिए इतना उड़ रही हो ना तुम। बहू, बेटे ने कुछ नहीं कहा है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हाँ? मुझसे ना ज्यादा बकबक मत कर, बहुत बुरा कर दूंगी तेरे लिए। अरे इससे ज्यादा और क्या बुरा करेगी, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। देख मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैंने क्या जीना हराम किया तेरा? तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने कर रखा है? कहाँ से उठ के आ गई, लव मैरिज करके मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने में लगी हुई है। जिंदगी मैंने खराब करी? इतनी हिम्मत मैंने जिंदगी खराब करी? अब से आई है ना, इस घर की शांति खत्म हो गई है। अच्छा एक बात कान खोल के सुन ले बुढ़िया, तेरा बेटा ना मुझसे बहुत प्यार करता है, और इतना प्यार करता है ना मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं करी, तेरे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस घर में लाकर, और अब तेरी भी जिंदगी मैं बर्बाद करती हूँ। क्या कर रही है? मुझे माँ है, माँ है, माँ तुम्हारी है, मेरी माँ नहीं है ये। माँ तू ही चुप हो जा। तो बेटा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसने ही मेरा जीना हराम किया हुआ। बेटा तू रुक जा, कितना बोल रही है, तेरे सामने कितना उछल उछल के बोल रही है। बोल रही हूँ इसको छोड़ कर दूंगी मैं। ओए क्या कर रही तू, छोड़ो मुझे। मां ये बुढ़िया मर जाएगी मेरे हाथ से। देखा बेटा, मां बेटा कैसे कह रही, चुप करा रहा हूं ये। नहीं ओए क्या कर रही है ये तू, छोड़ मुझे। ओए ओए मैं खून कर दे रहा हूं बुढ़िया का। देखा बेटा मारने की बात कर रही है ये, चुप हो जा। ये पीछे से भी ऐसी करती है बेटा, तेरे सामने भी कर रही है, पीछे भी ऐसी करती है। अरे मेरे काम नहीं छोड़ो, क्या कर रही है, छोड़ कर दे रहे इसको बुढ़िया का। देखा चल तू अंदर, अरे चल बात अंदर, चल चल खाने नहीं देती। सुन तो, इस सुबह सुबह कहाँ चला गया, बता के भी नहीं गया। अरे अरे क्या बात है, मेरे शोरूम पे आज क्या? अरे यार क्या बताऊं तुझे, बस एक प्रॉब्लम हो गई है। बताओ बताओ यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बेबी। मेरी बीबी जो है वो मेरी माँ के साथ सही बर्ताव नहीं करती है। अच्छा, और
अब मेरी माँ बूढ़ी है। अच्छा बता क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा ये प्रॉब्लम है, अगर माँ को निकाल दूंगा तो तुझे पता है ना मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, और बीबी को निकाल दूंगा तो मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो अमीर घर से है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। देखो यार ये तो देखो सबके साथ ही होती है ये प्रॉब्लम, तो बाकी अगर तुम्हारी बीवी है अच्छे घर से है तो पहले आप उसका देखो, बाकी वृद्धाश्रम वगैरह दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं, आप अपनी मम्मी को ले जाके वहाँ पर अपना वृद्धाश्रम में छोड़ाओ तो वहाँ पे वो भी ठीक रहेगी और तुम्हारा घर भी बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे कहने तो देखो मैं तो तुम्हारे को यही राय दे सकता हूँ, बाकी आप अपने ऊपर है। लेकिन यार भाई जो तूने मुझे राय दी है देखता हूँ एक बार, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है चल ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ कोई चिंता की बात नहीं, बाकी फ़ोन करना। ठीक बेटा शराब पी के आया है? देख माँ मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता तुझसे, आज मैंने थोड़ी सी दारू पी ली। कोई बात नहीं क्या कहना चाहता है बोल। देख माँ तू जानती है तेरी बहू तुझे इतना सभी पसंद नहीं करती, और तुझे इस घर में देख देख के वो तुझसे दिन ब दिन जलती रहती है। अब तू ये बता मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए और मैं ये भी नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर जाए, बस मेरी तू एक इतनी सी बात मान ले। बोल बेटा। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, मेरी लाज रख ले, मेरी लाज रख ले। पहले बोल तो सही ना, क्या बात है? देख मैं चाहता हूँ कि तू ये घर छोड़ के चली जा, कहीं भी जा मुझे नहीं पता। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। देख मैं क्या करूँ, मैं तंग आ गया ये रोज रोज की चिक चिक से, तू कुछ भी कर ये घर छोड़ के चली जा, जा। ठीक है बेटा तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी, चली जाऊंगी मैं इस घर को छोड़ के, चली जा जा तू चली जा। चल माँ। बहू तू खुश रहना, मैं लेके जा रहा हूँ माँ को। चल माँ। अरे जल्दी लेके जाओ। हाँ जा रहा हूँ, आ जा माँ। देखा बढ़िया, जो मैं चाहती थी वो मैंने कर ही दिया, तेरा इस घर से रिश्ता ही खत्म, सारा मतलब भी खत्म। चलो अब इस पूरे घर में राज करूंगी मैं, राज। माँ तू यहाँ बैठ, मैं ऑफिस में ना एक बार बात करके आता हूँ, ठीक है यहाँ बैठ जा, मैं आता हूँ अभी। हैं
यही तेरा घर। देख मां, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दियो। मां तू रो मत। देख, मैं जानता हूं कि तू अपने घर से दूर हुई है, तुझे दुख हो रहा है, लेकिन वो तेरी बहू वो नहीं चाहती थी तेरे को। मुझे पता है बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे मैं भी मजबूर हूँ। मुझे पता है, मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, दिन रात भट्टे पे काम किया, तेरे को पाला पोसा, लेकिन बहू ने आके सब खत्म कर दिया। बेटा सब खत्म कर दिया। तुझे पाने के लिए बेटा कितने मंदिर गुरुद्वारे सब जगह मत्था टेका था मैंने। सोचा था मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मुझे क्या पता था कि मैं ही उस घर से बाहर आ जाऊंगी। मत रो मत। देख, मैंने जो भी किया है तेरी खुशी के लिए किया है। तू यहाँ रहेगी ना तो बहुत खुश रहेगी। वो घर में हमेशा मेरी बीवी चिक चिक करती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जो भी मैंने किया सिर्फ तेरी मर्जी के अलावा कुछ नहीं किया मैंने। तेरी हाथ थी ना, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। और क्या करती बेटा मैं, तू कितना परेशान था। तूने जो कहा मैंने कर लिया। तेरा मन लग तो जाएगा यहाँ पे, ये इतने सारे लोग हैं तो। बेटा मेरा मन तो तेरे ही पास रहेगा ना। माँ माँ तू मत रो, माँ मुझे माफ क्यों कर दे, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माँ की ममता समंदर की गहराई है, प्यार में माँ के सूरज की गर्माई है, चांद से ज्यादा माँ में तो ठंडक भी है। माँ का दिल एक फूलों की अंगनाई है। जिंदगी भर मेरे हक में की है दुआ, छोड़ कर जा रही है कहाँ तू बता। मैं तेरे प्यार का दे सका ना सिला।
मेरी माँ मेरी माफ कर दे खता। अरे आ गए आप और छोड़ा है अपनी माँ को? हाँ मैं छोड़ आया माँ को। चलो बहुत ज्यादा खुशी है मुझे। तुम अपनी माँ तुम तो कह रहे थे तुम अपनी माँ को छोड़कर आए हो, फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? माँ आजा। तुम क्या कर रहे हो? इसकी जगह यहाँ पर नहीं है, इसकी जगह वहां पर है। इसकी जगह यहाँ नहीं है, इसकी जगह वहां है। अच्छा मेरी माँ की जगह वहां है? हाँ। तो इस घर में तेरी भी जगह नहीं है। उठा अपना सामान और निकल जा यहां से। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे और मेरी मेरी माँ ने, जानती है कितना बर्दाश्त करती है तुझे ये? अरे तुझे क्या लगता है एक माँ को उसके बेटे से इतने अच्छे से दूर कर देगी तू? नहीं ये तेरा ना गलत तरीका था। अरे तू क्या जाने माँ के चक्कर में, माँ क्या होती है? तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? प्यार? कोई प्यार वर नहीं करता मैं तुझे। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से मेरे घर से। अब समझ में आया मुझे, ये इसने पट्टी पढ़ाई ना तुम्हें। खबरदार अगर मेरी माँ को कुछ बोला। और हाँ एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरी माँ को किसी ने उल्टा सीधा बोला ना तो मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ आया तुझे? देखो तुम में गलत फहमी हो रही है। तुम्हारी माँ मेरी माँ है ना, ये औरत ठीक नहीं है। ठीक तो तुम नहीं हो, ठीक तुम नहीं हो। तू ऐसा कर अपना सामान उठा और अभी की अभी निकल जा मेरे घर से। तू इस घर में अब एक पल नहीं रुकेगी। समझ आया तुझे? अरे मैं कहाँ जाऊंगी? देखो ऐसा मत करो मेरे साथ। माँ प्लीज समझाओ ना, मैं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। आज तुझे मेरी माँ मान लगने लगी है ना? जब तू मेरी माँ के साथ ऐसे बदसलूक करती थी तब मेरी माँ के दिल पे क्या बीतती थी ये उससे पूछ, पूछ उससे। और तू क्या सोचती है मैं तुझे प्यार करता हूँ? तो ठीक है रह लूंगा तेरे बिना, लेकिन मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। देखो माँ प्लीज माँ आप ही समझाओ ना, वो मुझे ऐसे घर से बाहर ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ प्लीज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा इसे माफ कर दे। नहीं माँ इसे ऐसे कैसे माफ कर दूँ, इसने मेरी माँ का कितना दिल दुखाया है ये तो मैं ही जानता हूँ। इसलिए इसको इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है माँ, निकाल दे इसे इस घर से। मुझसे गलती हो गई है। नहीं बेटा वो माफी मांग रही है, अब ये गलतियां वो दोबारा नहीं दोहराएगी। माफ कर दे बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया बस देखा, लास्ट मौका। देखा इसे कहते हैं माँ। अरे तुम्हारी कितनी गलतियों के बावजूद भी मेरी माँ ने तुम्हें अपना लिया, जानती हो क्यों? क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, इसे औलाद कभी नहीं समझ सकती, जो कि तुम भी मेरी माँ को नहीं समझ सकी। देखो तुम भी मुझे माफ कर दो, माँ ने तो माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो मुझे। बेटा माफ कर दे। ठीक है माँ तू कहती है तो इसलिए आओ चलो। माँ की ममता समंदर की गहराई है, प्यार में माँ के सूरज की गर्माई है, चांद से ज्यादा माँ में तो ठंडक भी है। माँ का दिल एक फूलों की अंगनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं।